दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। मेलबर्न में इन दिनों साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जा रहा है। पहले राउंड में महिला सिंगल्स मैच के दौरान बड़ा ही अप्रिय वाकया हुआ। यह मैच अमेरिका की कोको वंडेवेगे और हंगरी की तिमिया बाबोस के बीच खेला जा रहा था। ब्रेक में वंडेवेगे को केला खाने की इच्छा हुई, लेकिन उस समय केला मौजूद नहीं था। केला नहीं मिलने पर वंडेवेगे चय अंपायर से लड़ गईं और मैच खेलने से इनकार कर दिया। वंडेवेगे ने तब तक खेलना नहीं शुरू किया जब तक कोर्ट पर केले मंगवा नहीं लिए गए। उन्होंने केला खाते समय भी अंपायर से बहस जारी रखी। मैच दोबारा शुरू होने पर वंडेवेगे एक शॉट खेलने से चूक गई। इसके बाद उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को ही गाली देना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में बाबोस ने आखिरकार वंडेवेगे को 7-6, 6-2 सेकंड हरा दिया। मैच के बाद वंडेवेगे और उनके कोच पैट कैश ने इस व्यवहार के लिए फ्लू का बहाना बनाया। वंडेवेगे ने ट्वीट किया कि वे रात में फ्लू से पीड़ित थी, इसलिए आपा खो बैठी। वहीं कोच पैट कैश ने लिखा कि वंडेवेगे मुझे आप पर गर्व है, आप फ्लू के बावजूद खेलने उतरी। चय अंपायर ने वंडेवेगे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए टेनिस फेडरेशन को लिखा है। इस बीच टेनिस फैंस ने भी वंडेवेगे पर फाइन लगाने की मांग की है। लाइक कॉमेंट शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।